गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। टीना दत्ता ने बोला सुमुल तौकीर खान को कि शिव कुमार थप्पड़। आखिरकार उन्होंने ये बात क्यों बोली है, चलिए आप लोगों को बताती हूँ। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस, ये अपडेट मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज पता चले कि आखिरकार टीना दत्ता जो ये बात बोलती है कि भाई मैं तो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझे फिर भी ड्रैग किया जाता है, मुझे फिर भी बोला जाता है, तो ये जान बूझ के जो है कितनी सारी चीजों में खुद इन्वॉल्व होती है, जबकि सुंबुल जो है इनको इन्वॉल्व करना भी नहीं चाहती और सुंबुल जो है दूसरे लोगों के साथ मस्ती मजाक करने में लगी हुई होती है। कैप्टन रूम में सब लोग बैठे हुए होते हैं, शिव ठाकरे और सुंबुल जो है दूर बैठे हुए ऐसे ताली मार रहे होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है, हाथों पे ताली मार रहे होते हैं, तो वहां पर एक दूसरे पे हंस रहे होते हैं, जहां पर शिव बोलते हैं कि बाबा जब ऐसे ऐसे ताली मारो, बाय द वे दूसरे बंदे का ध्यान हट जाए और वो हाथ नीचे कर ले, जो दूसरा बंदा है ताली मार रहा है वो तो सीधा जाके उसके मुंह पे थप्पड़ मार देगा ना। तो ये बात वहां पर शिव ठाकरे सुमुल को कह रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ध्यान से जो है बेड के ऊपर बैठे हुए टीना दत्ता जो है सुन रही होती है। तो टीना दत्ता शिव ठाकरे की बात सुनने के बाद इतना ज्यादा हंसने लग जाती है और वो बात बोलती है, सुमुल ऐसा कर तो इसके मुंह पे थप्पड़ मार, सुमुल इसके मुंह पे थप्पड़ मार के दिखा कैसे लगता है। तो वहां पर सुंबुल जो है सुंबुल भी हंसती है, ऐसा नहीं है कि रूडली उनको टीना दत्ता का जवाब दे देती है, वहां पर ऐसा करते करते ना शिव ठाकरे के मुंह पे जस्ट नॉर्मली जो है ऐसा फेस पे ऐसे लेके जाती है और हाथ जो है वो टच कर देती है, तो वहां पर काफी सारे लोग जो है वहां पर हंसने लग जाते हैं। ये अपडेट मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि वहां पर सुंबुल और शिव ठाकरे अपनी गेम खेल रहे थे, अपनी तालियां जो है मार रहे थे, अपनी बातें कर रहे थे हंसी मजाक का, इनका टीना दत्ता का पूरा ध्यान सुंबुल और शिव ठाकरे पे था। तो वहां पर जब इनको पता है कि ये कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होती, तो यहां पर फालतू की इन्वॉल्व क्यों हो रही हैं? जब इन्होंने बोला कि हमसे दूर रहो, ठीक है भाई दूर रहो, तो तुम क्यों पास में जा रही हो, तुम क्यों खुद इन्वॉल्व हो रही हो, मत हो ना इन्वॉल्व, अभी तो वो तो तुम्हारे पास आ नहीं रही है, अभी आपकी क्या विचार है भाई? टीना दत्ता खुद इन्वॉल्व होने की अभी कोशिश कर रही है या नहीं? इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।